हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री और उसके साथ साथ 45 और 22.5 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिए हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वन वीडियो को अगर आपने देखना है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 75 डिग्री। ठीक है, देखिए हम कैसे 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले उसका एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक हो गया, देखिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे आपका वही कहने का मतलब है 90 डिग्री। ठीक हो गया, देखिए सबसे पहले ये आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे और आर्क कट करेंगे। ठीक है, 60, ये 120, देन उसके बाद इस पॉइंट को बढ़ाते हुए इसी को मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ और ये कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 75 क्रिएट करना है, तो ये 60 है, ये 90 है। देखिए ये पॉइंट 60 आ रहा है और ये पॉइंट 90 आ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये दो पॉइंट है ना, आप इन दोनों के बीच से एक आर्क और कट कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका कितना आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम किसी भी लेंथ का, मान लीजिए ये रहा आपके पास। ठीक है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक अननोन डिस्टेंस, आप कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए अपने अपने क्या कहते हैं कंपस पे। ठीक है, ये रहा, अब आप यहाँ से लगाइए चाहे यहाँ से लगाइए, अगर यहाँ से बनाएंगे तो इस तरफ को एंगल आ जाएगा, यहाँ से बनाएंगे तो इस तरफ को आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिए, एक अननोन डिस्टेंस की आर्क कट कर लीजिए। सॉरी, ये थोड़ा सा हाथ उल्टा हो रहा है यहाँ से, ये रहा। ठीक है, फिर ये फर्स्ट आर्क 60 डिग्री बना, ये बना आपका 120 डिग्री। ठीक है, और यहीं से मैंने देखिए ये लेंथ चेंज नहीं किया है, मैंने लेंथ चेंज नहीं किया है और यहाँ से ये आप कट कर दिया तो ये कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। पहले मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। ये रहा देखिए 90 डिग्री। अब मुझे कितना बनाना है, 75 डिग्री बनाना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको कितना कंस्ट्रक्ट करना है, 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट से तो पहले ही आग कटी हुई है, देखिए ये रहा, अब इस पॉइंट पे रखूँगा। देखिए आप अगर आपका आग छोटा हो रहा हो, ये रहा देखिए, ये काटा और यहाँ से तो पहले ये इस पे ये कटा हुआ है, इसमें मुझे काटने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैंने लॉन्ग लंबी आग काटी है। तो ये आपका कितने डिग्री बन गया, यहाँ से अगर आप इसको मेज़र करेंगे तो ये 75 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स थोड़ा सा यहाँ पे आना चाहिए, मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना डिग्री आपके पास बन गया, अगर आप देखें ये 75 डिग्री का एंगल आपके पास बन गया। कौन सा बना 75 डिग्री, ये रहा आपके पास ए बी सी। ठीक है, इसका नाम कुछ भी लिख लीजिए, पी क्यू आर एस, तो इतना एंगल आपके पास, कितना, सिर्फ इतना एंगल 75 डिग्री। ठीक है, तो चलिए फिर इसके बाद वाला एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखिए 105, ठीक है, 105 डिग्री का एंगल है, तो इसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे चलिए देख लेते हैं। ठीक है, ये मेरा थोड़ा सा इधर आ रहा है, आप यहाँ पे सही से कर लीजिएगा कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब देखिए 105 में भी वही प्रिंसिपल, पहले हम कितना बनाएंगे, 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये 60, ये 120 और इस आग को आपने बड़ा सा इधर को ले लिया तो ये बन गया 90। अब देखिए ये बना आपके पास 90, ठीक हो गया। अब देखिए जो कहने का मतलब है 105 है वो इस 120 और 90 के बीच में आएगा, तो आप क्या करिए, एक आग तो यहाँ से ये कटा हुआ है पहले इधर काट दीजिए और एक आग इधर काट लीजिए, अगर ये बड़ी हुई है तो अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये बाई डिफॉल्ट कितना आ जाएगा, 105 आएगा। चलिए कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर। देखिए किसी को डायग्राम को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले उसका रफ डायग्राम बनाना कंपलसरी है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक हो गया, पहले क्या कर लेते हैं, वही लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं और एक अननोन डिस्टेंस की आग अपने कंपास में ले लेते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ से आग कट करते हैं सबसे पहले। मैं एक ही आग में कट करता हूँ क्योंकि मेरा हाथ उल्टा हो रहा है इसलिए। ठीक है, फिर आप कितने का कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये रहा आपके पास कितना है, ये 60, फिर उसके बाद 120 और उसके बाद आ गया आपके पास ये 90। ठीक है, तो ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा देखिए
ठीक है। अब मैंने आपसे कितना कहा 105, तो आप एक आग यहाँ से कट कर लीजिए और एक आग यहाँ से कट कर लीजिए, ठीक है। ये रहा देखिए, तो ये आपके पास कितना आ गया 105 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस एंगल का आपके, ये एंगल आपके पास हो कितना गया 105 डिग्री हो गया। अगर आप देखेंगे तो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया 105 हो गया। इसको एम और एन क्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे एंगल ए बी सी जो एंगल डिनोट करता है वो बीच में आता है, कितना आ गया यहाँ पे 105 डिग्री आ गया। और यहाँ क्या था ए बी सी, एंगल ए बी सी कितना था 75 डिग्री था। चलिए एक और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं फिर, ये है 135 और इसका बाइसेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री, ठीक हो गया। इसका ट्वाइस करेंगे तो ये मिलेगा और इसका हाफ करेंगे तो ये मिलेगा। तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले एक रफ डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप कुछ लोग 20 से भी बनाते हैं, ठीक हो गया। कुछ लोग यहाँ पे 90 बना लेते हैं फिर बनाते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल बना रहा हूँ, पहले 90 बनाएंगे, ठीक हो गया। ये बनाया आपने 90, ठीक है। अब देखिए अगर आप 90 प्लस 45 को ऐड करें तो वो होता है 135। तो या तो आप इसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए और यहाँ से क्या कट कर दीजिए, इसका बाइसेक कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 90 और ये कितना हो जाएगा 45। 90 प्लस 45 135 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। देखते हैं फिर इसको, सबसे पहले वही एक अननोन डिस्टेंस की आर्क सॉरी लेंथ खींचिए, ठीक है। मैं इसका कहीं भी एक पॉइंट ले ले रहा हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले ले रहा हूँ कंस्ट्रक्ट करने के लिए। लीजिए आप कहीं पे ले लीजिए इस लाइन में, ठीक है। ऐसे कट कर लीजिए आप, ये रहा, क्योंकि पूरा 180 है। अब देखिए ये रहा और ये रहा, ठीक है। आप इसको यहाँ से पूरा ऐसे आप कट कर लीजिए, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, बीचों बीच में आ गया। देखिए इस साइड का भी 90 होगा और साइड का भी 90 होगा। अब आपको कितना कंस्ट्रक्ट करना है 135, तो या तो आप इस साइड बना लीजिए 45, तो ये वाला एंगल 135 हो जाएगा। इस साइड बनाएंगे तो ये वाला एंगल 135 हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से बाइसेक कर रहा हूँ इस एंगल को, ये रहा देखिए, ये आग कट करी और एक आग ये कट करी, तो ये एंगल कितना हो गया आपके पास। देखिए ये मत कर दीजिएगा, ये पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का 135, ठीक है। तो ये अगर मान लूँ मैं इसको ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, ये 45 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 99, ये भी इधर का भी 90 है, इधर का भी 90 है, तो ये बाई सकते हैं। तो ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये पूरा आपके पास कितना आ गया 90। तो 90 प्लस 45 कितना हो गया 135 हो गया, ठीक है। अगर आप इसका बाइसेक करने को गए, अगर 67.5 कहे, तो क्या करिए, एक अननोन डिस्टेंस की आर्क लीजिए जो इसको बाइसेक कर रहा हो, और किन पॉइंट से कट कर दीजिए, इन दो पॉइंट से बाइसेक कर दीजिए। देखिए एक मैं यहाँ कट कर देता हूँ, ये रहा देखिए, और एक यहाँ से ले लेता हूँ, ये रहा देखिए, और इसको ज्वाइन कर दीजिए। वैसे डॉटेड ज्वाइन होता है, मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मतलब ये जो आँख है ना यहाँ पे आएगा, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है एक मिनट के लिए। मान लीजिए ये जो है, ये वाला जो पॉइंट कटेगा, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये उतना नीट नहीं आया मेरे कहने, ये जो है ना ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट आ रहा है वो आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है, ये वाला आप समझ गए होंगे, ठीक हो गया। ये कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा वो गंदा हो रहा है, ठीक हो गया, इसे आप हल्का सा इरेज कर लें, ठीक है। ये आपके पास 67.5 डिग्री आ गया, आप इसका कुछ भी नेम रख लीजिए एम एन, ठीक हो गया। इन पॉइंट्स आप बाइसेक करेंगे इसको यहाँ से और यहाँ से, ठीक हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।